हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। कैसे हैं आप लोग? और आज का दिन तो बहुत ज़्यादा इमोशनल दिन है, क्योंकि दीदी का जाने का टाइम आ गया है। दीदी श्रिया दोनों जा रहे हैं, सब घर में बहुत दुखी है। दीदी इधर देखो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? जय जगन्नाथ। पैकिंग स्टार्ट हो गया, अभी अलग होने का समय आ गया। तो देखते रहिए ब्लॉग, कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग बनेगा। आप लोग हम लोगों के साथ कनेक्टेड रहिए और देखते रहिए क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, सब पता लग जाएगा। और ढेर सारा प्यार दीजिए हमारे ब्लॉग को, लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और देखते रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं कुछ देर बाद। वो बड़ा वाला ट्रॉली दीदी का है, ये छोटा वाला श्रिया का है, लेकिन अभी मिक्स हो गया जाने के टाइम, सब कपड़ा मिक्स हो गया है और बहुत ज़्यादा कपड़ा भी है, बहुत चीज़ है। वो धीरे धीरे ये सब को इधर जो ट्रॉली में है अभी सेट नहीं किए हैं, फोल्ड करके सेट करेंगे सब। टाइम लगेगा सेट करने के लिए, थोड़ा टाइम और है, 1-2 घंटा और बचा है। कूड़ा ए ई मम्मी का नरुले कौन है? चिल्ड्रन जैकेट पूरा गुडा कोना क्लोज तो तू जाता कौन सेटा जैकेट रे पूरे जेड़ा हाथ हाथ में भरी जाती ना जाओ तू ना। हां मम्मी मेरे ला की नहीं नहीं। अरे नहीं है सर, कौन से चल रहे है टूपी लाइट रखी ना। हां दे चल ले, आज दिन रात का सालों सब चल। मौसी का कच्चा बादाम रख दो इधर, रख दो। नो बेटा, नहीं जान सकता। कितना मिस करूंगी मैं भी। वो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही क्यूट है, मैं उसको कितना मिस करूंगी ना। हमेशा मैं उसको खुशी देती रहती हूँ। हाँ, खेलते हैं, झगड़ते हैं, सब करते हैं। बादाम खोल दे लूंगी। कच्चा बादाम अभी पैकिंग हो रहा है, वेट तो हो गया है बहुत ज़्यादा, फिर भी सामान लेने का लोभ नहीं मिट रहा है। कुछ ना कुछ ठूस ठूस के भरते भरते अभी वेट काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अब देखते हैं कैसे। पानी जाओ टुटली, कुछ बोलो। मैं तो बहुत मिस करूंगी मौसी को, अनमोल को, पापा को, आयो को और मामू को बहुत मिस करूंगी, पर मुझे अपने स्कूल स्टडीज के लिए जाना पड़ेगा तो हाँ। अभी हम जाएंगे भुवनेश्वर, उधर एक रात रही।
अभी तो पूरा बैग पैक हो गया है, दीदी का जाने का टाइम हो गया है पूरा, तो अभी बहुत प्यार लग रहा है। दोनों बच्चे बहुत मिल के खेल रहे थे, मतलब अनमोल तो एक साल से वेट करके रहता है कि दीदी कब आएगी और हम दोनों मिल के खेलेंगे, झगड़ा करेंगे, मस्ती करेंगे। और पापा भी ऐसे श्रिया को बोल रहे थे कि पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करना है, मोबाइल और टीवी से दूर रहना है। और दीदी को भी ऐसे समझा रहे थे कि बाहर जा रहे हैं ना बेटा बेटी, जब बाहर रहते हैं पापा और मम्मी लोग ऐसे ही हमको देते हैं, थोड़ा सलाह देते हैं, अच्छे से रहना है, सबके साथ मिलजुल के रहना है, और किसी चीज़ में दिक्कत हो तो एडजस्ट कैसे करना है, वो सब बता रहे थे। तो मुझे तो बहुत दुख लग रहा था कि कब फिर मिलेंगे, और ऐसे बड़े हो गए, शादी हो गया, और वो वाला जो बचपन का टाइम वो तो नहीं आएगा। पापा जी तो बहुत ज़्यादा वरीड थे कि सब चीज़ आप लोगों ने लिया या नहीं, कुछ छोड़ के गए तो नहीं, चार्जर मोबाइल सब के बारे में पूछते रहते थे। हाँ रोहिणी जा।
नानी भाई ए आ से अनमोल को डॉगी डॉगी आ भरी बाय बाय दीदी रहो 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 फ्रेंड्स ऐसे इमोशनल मोमेंट्स तो हमेशा आते ही रहेगा लाइफ में। और दीदी तो सिक्किम चली गई और आगे हमारा ब्लॉग्स देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपको अभी सिक्किम का ब्लॉग मिलेगा, उड़ीसा का भी ब्लॉग मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।